एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिबगंज की ओर। सियार चक्रवर्ती तूफान के दौरान हुई भारी वर्षा के बाद साहिबगंज जिले के शहरी इलाकों में जल जमाव को देखते हुए पानी के बहाव के रास्ते में पड़ने वाले सभी अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाए जाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर कई जगहों पर नाले का चौड़ीकरण, नालों की साफ सफाई की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज हेमंत सती के देखरेख में धोबी झरना के जल प्रवाह के रास्ते में है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने शहरवासियों से कहा कि वह जल प्रवाह के रास्ते में अतिक्रमण कर निर्माण ना करें तथा नालों में कूड़ा कचरा प्रवाहित ना करें, जिससे आगे चलकर नाला जाम एवं जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो। केलाबाड़ी में जो नाले के ऊपर कुछ अवैध संरचनाएं विगत दो माहों में बनी हुई थी, जिसके कारण पूर्व में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के कारण नवोदय विद्यालय की जो बाउंड्री टूट गई थी, उस संदर्भ में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व में यह फैसला लिया गया था कि नाले और जो भी ऐसी संरचनाएं हैं जिसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसी सभी संरचनाओं को तोड़ने के लिए प्रस्ताव पारित था। उसी क्रम में अनुमंडल कार्यालय में अतिक्रमणवाद चलाया गया और अतिक्रमणवाद के क्रम में उसको जो विपक्षी पार्टी को नोटिस दिया गया, नोटिस के क्रम में ये पाया गया कि वो उनके द्वारा जो संरचना है वो संरचना अतिक्रमित है, उसी को तोड़ने की आज कार्रवाई चल रही थी, जिसमें आधा भाग टूट चुका है और आधे भाग को तोड़ने की कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, देखा गया कि इंदिरा विकास योजना जो है, जिनका मकान बन चुका है, क्या वो भी टूटने के संबंध में? अवैध संरचनाओं को तोड़ने के पीछे की मंशा को समझना यहाँ पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि साहिबगंज एक बाढ़ प्रोन एरिया है, जहाँ पर बाढ़ आती रही है पूर्व में, इस दो माह पूर्व भी बाढ़ आई थी और बाढ़ आने की आशंका लगातार बनी हुई है। तो ऐसी सभी संरचनाएँ जो कि बाढ़ का कारण बन सकती है, जिनके कारण साहिबगंज में बाढ़ आ सकती है, तो ऐसी सभी संरचनाओं को अनिवार्य रूप से ध्वस्त किया जाएगा। जो संरचनाएं तेज़ी से बन रही है, अतिक्रमित संरचनाएं हैं, उनको ध्वस्त करके ताकि लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें बन सके।